जी हाँ नमस्कार दोस्तों, बेहद ही बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। दरअसल बड़ी खबर के दौरान घर से मामी ब्यूटी पार्लर के काम के लिए गई थी, लेकिन भांजे के साथ संदिग्ध परिस्थितियों के तौर पर ही फरार हो गई है। मामी अपने घर से 10,000 रुपए लेकर गई है और दोनों के फोन स्विच ऑफ आ रहे हैं। मामी घर से ब्यूटी पार्लर के काम के लिए निकली थी, मगर वापस नहीं लौटने के दौरान मामले की शिकायत पुलिस को दर्ज कराई है और पुलिस ने शिकायत के आधार पर गुमशुदगी का मामला दर्ज कर लिया है। यह पूरा मामला हरियाणा के पानीपत जिले के इसराना उपखंड के बताया जा रहा है, जहां पर इसराना थाना पुलिस को दी शिकायत में एक व्यक्ति ने बताया कि वह इसराना का रहने वाला है और उसकी पत्नी इसराना अड्डे पर ब्यूटी पार्लर में काम करती है, जो कि सुबह 29 मार्च को 8 बजे घर से गई थी और वह शाम तक नहीं लौटी थी। पति को शक हुआ कि उसकी पत्नी अपनी बहन के लड़के सचिन के साथ चली गई है और पत्नी के जाने के दौरान पत्नी और भांजे का दोनों का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। इतना ही नहीं, पत्नी 10,000 रुपए लेकर घर से निकली है और फिलहाल पुलिस ने दोनों के फोन ट्रैकिंग पर लगा दिए हैं। पुलिस ने बताया कि फिलहाल शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और दोनों की तलाश की जा रही है। जल्द ही दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सो दोस्तों, बड़ी खबर थी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हुए कमेंट में अपनी राय जरूर दें।